नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। लंबे अंतराल के बाद आज हम फिर से जुड़ रहे हैं। आज हम एक बहुत ही शानदार योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले सभी छोटे सीमांत किसान जिनके नाम 1 अगस्त 2019 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि रिकॉर्ड में दिखाई देते हैं, वो इस योजना के लाभ के पात्र हैं। जी हाँ, अगर आपके नाम अपनी खुद की जमीन है 1 अगस्त 2019 तक किसी भी राज्य में, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में, और आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है और 40 वर्ष के नीचे हैं, तो आप इस योजना के योग्य हैं। इस योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 3,000 की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी। न्यूनतम 3,000 रुपये हैं, ऊपर में कितने ही हो सकते हैं वो उम्र के आधार पर निर्धारित होगी। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान का जीवन साथी परिवार के रूप में पेंशन का 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। पेंशन का मतलब है कि वह पेंशन केवल अपनी पत्नी व पति को ही मिल सकती है। योजना की परिपक्वता पर एक व्यक्ति न्यूनतम 3,000 की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। पेंशन की राशि पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद प्रदान करेगी। 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 55 से 200 रुपये के बीच मासिक योगदान देना होगा। एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। 60 वर्ष के आप होते ही आप पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। हर महीने एक निश्चित पेंशन आपके निश्चित खाते में प्राप्त हो जाएगी। पेंशन में परिवर्तन भी हो सकता है, जिसमें आप चाहें तो पति या पत्नी 50% राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। यदि आवेदक की 60 वर्ष की आयु से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी जो भी जीवित रहता है वह उस योजना की राशि का हकदार होता है। एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह पेंशन प्राप्त करने का दावा कर सकता है और वह पेंशन शुरू करवा सकता है। यदि कोई पात्र लाभार्थी योजना में शामिल होने की तिथि से 10 वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलता है, यानी कि आप बीच में छोड़ते हो, तो इसके द्वारा किए गए योगदान का हिस्सा उसे बचत बैंक दर जो ब्याज प्राप्त होता है उसके साथ वापिस कर दिया जाएगा। लेकिन आपको 10 वर्ष से कम अवधि के भीतर ही यह कार्य करना होगा। यदि कोई पात्र लाभार्थी योजना में शामिल होने की तिथि से 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी होने के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है, ये दूसरी बात है, तो उसके अंशदान का हिस्सा उसे वास्तविक रूप से संचित ब्याज के साथ वापिस दिया जाएगा। जितना आपने पैसा जमा करवाया है उसके ब्याज के रूप में आपको साथ प्राप्त हो जाएगा। यदि किसी पात्र लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है, यानी कि आप कंटिन्यू चल रहे हो, अपनी किस्त जो है वो दे रहे हो, और किसी भी कारण उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका जीवन साथी बाद में लागू नियमित योगदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा और ऐसे ही लाभ जो उसे प्राप्त हो रहे थे वो उसे बराबर मिलते रहेंगे। जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा अर्जित किया है या बचत बैंक की जो ब्याज दर है, जो भी उससे अधिक होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। लाभार्थी और उसके पति पत्नी की मृत्यु के बाद धनराशि वापस निधि में जमा कर दी जाएगी। यानी कि यह सिर्फ योजना है वो पति और पत्नी के लिए है और किसी के लिए नहीं है। 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 55 से 200 रुपये तक के बीच प्रति माह की मासिक किस्त चुकानी पड़ेगी।
इसमें सभी प्रकार के किसान, छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं। 18 से 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और 2 हेक्टेयर तक उनकी जमीन होनी चाहिए। ये इसका मुख्य पात्र होने के नियम है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन्होंने राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, यह किसी के अगर चल रहा है तो वह इस योजना के योग्य नहीं है। और ऐसा किसान जिसके पास संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर से अधिक की योग्य भूमि है तो वो भी इसका लाभ नहीं ले सकता। अगर मैंने पहले कह दिया है तो आप इसकी और जानकारी कहीं से भी प्राप्त कर लेंगे। आप ऑनलाइन आवेदन अगर करना चाहते हैं तो SMF को निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर जाकर आप इसका ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, IFSC कोड के साथ आपकी बचत बैंक पासबुक होनी चाहिए, नकद में प्रारंभिक योगदान राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी VLAD को दी जाएगी और VLE प्रमाणीकरण के बाद आपका आधार कार्ड पर मुद्रित आधार संख्या, ग्राहक का नाम और जन्मतिथि आदि दर्ज होगी। इसके बाद VLE बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, जीवन साथी जैसे विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीयन पूरा होगा। तो आप इसके लिए ई मित्र पर जाकर संपर्क करें कि इस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे करना है, ये सारी जानकारी आपको ई मित्र वाला प्रदान करवा देगा कैसे क्या करना है। तो हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।